स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियोलॉजी। कहता है द वर्ड उर्दू नजरिया इज नोन एज आइडियोलॉजी इन इंग्लिश। ठीक है, कहता है कि जो आइडियोलॉजी है उसे उर्दू में हम क्या कहते हैं, नजरिया कहते हैं। कहता है आइडियोलॉजी मीन्स सच अ प्लान और प्रोग्राम एज इज बेस्ड अपॉन फिलोसफी एंड एप्लीकेशन टू सॉल्व पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब कह रहा है आइडियोलॉजी हर चीज की एक बेस होती है, हर चीज की एक असास होती है। इसी तरह आइडियोलॉजी नजरिया, नजरियात की भी क्या होती है, एक असास होती है। अब वो क्या कह रहा है कि आइडियोलॉजी मींस सच अ प्लान और प्रोग्राम। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा जाब्ता या ऐसा प्रोग्राम विच इज बेस्ड अपॉन फिलोसफी। ठीक है ना, जो कि किस चीज पर बेस करती है, जिसकी असास किस चीज पर है, फिलोसफी के ऊपर, फलसफे के ऊपर, तफक्कुर के ऊपर। ठीक है, एंड एप्लीकेशन टू सॉल्व पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे के रहे कि जिसे हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू सॉल्व पॉलिटिकल सोशल। ठीक है, कल हमने इसके ऊपर बात की थी, सियासी जो मसाइल होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, उन्हें हल करने के लिए, उनका हल निकालने के लिए, उन्हें देखने के लिए कि वो हमारी तरतीब में कैसे आ सकते हैं, हम उसे तरतीब कैसे दे सकते हैं, हम उसके जरिए अपना निज़ाम कैसे चला सकते हैं। तो उससे तरतीब देने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बुनियादी तौर पर हमें एक असास की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, जब एक बिल्डिंग को तामीर किया जाता है, जब एक बिल्डिंग को परवान चढ़ा जाता है, तो सबसे पहले उसकी एक असास रखी जाती है, सबसे पहले उसकी एक बुनियाद रखी जाती है। तो उसकी बुनियाद जब रखी जाती है, जब बुनियाद उसकी मजबूत होती है, तो पूरी बिल्डिंग भी क्या होती है, एक मजबूत तरीके से खड़ी हो सकती है। इसी तरीके से जब भी हमें कोई काम करना होता है, अगर उसकी असास, उसकी बुनियाद मजबूत हो, तो वो काम भी उसी तरह मजबूती से पाए तकमील तक पहुंचता है। अगर उसकी असास ही कमजोर हो, तो वो कभी भी मजबूती से वो आगे जाकर उस पर हम वर्क नहीं कर सकते और वो अच्छे तरीके से पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये जो हमारे कल्चरल इश्यूज हैं, यानी कि जो हमारी सकाफत है, हमें ये देखना होता है कि जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी बेस है, जो हमारी असास है, जो हमारी बुनियाद है, कहीं जो है हमारी आइडियोलॉजी ही किसी तरीके से क्रॉस में ना जा रही हो किस चीज़ के, हमारे कल्चरल इश्यूज के, यानी जो हम तहजीब बना रहे हैं, जो हम अपनी सकाफत बना रहे हैं, कहीं वो उससे डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रही, कहीं वो उससे अलग तो नहीं जा रही, कहीं उसका एंगल जो है वो उससे मुनफरिद तो नहीं हो रहा, कहीं उससे अलग तो नहीं हो रहा। तो हमें सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि हमारी आइडियोलॉजी हमें क्या बता रही है। जैसे कि हम लोग पीछे भी पढ़ चुके कि हम लोग किस, कौन सी आइडियोलॉजी पे हम अमल पैरा होते हैं, हम किस आइडियोलॉजी के मानते हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी को। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी सकाफत है, कहीं वो इस्लामिक आइडियोलॉजी से अलग तो नहीं हो रही, मुनफरिद तो नहीं हो रही। तो ये लाजमी तौर पे हमें देखना होता है कि जिस तरीके से हमारे, अगर हम पाकिस्तान के बारे में हम बात करें, तो पाकिस्तान में कई कौमें जो है वो आबाद हैं, कई नेशन से यहाँ पर आबाद हैं। तो हर नेशन की, हर कौम की क्या होती है कि अपनी एक अलग सिविलाइजेशन होती है, अपने एक अलग कल्चर होता है, अपने एक अलग सकाफत होती है, तहजीब होती है। ठीक है, लेकिन उन तमाम चीज़ों में हम ये देखते हैं कि बींग अ मुस्लिम, क्योंकि हम किस चीज़ पर लाए करते हैं, हम किस चीज़ को मानते हैं, हम एक इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानते हैं, हमारी बुनियाद जो है, हमारी असास जो है, वो क्या है, किस चीज पर रखी गई, इस्लामिक आइडियोलॉजी पर रखी गई। तो उसमें सबसे पहले हम अपनी तहजीब या सकाफत बनाते हुए भी, हम अपनी तहजीब या सकाफत पर अमल करते हुए भी, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कहीं ये जो हमारी तहजीब है, हमारी सकाफत है, हमारा जो कल्चर है, वो चेंज तो नहीं हो रहा, वो जो अलग तो नहीं हो रहा किस चीज से, हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी से, हमारे इस्लामिक कल्चर से, हमारी इस्लामिक। कहते हैं According to the definition given in the World Encyclopedia, अब World Encyclopedia के तहत जो ideology की तारीफ दी गई है उस पर आते हैं। कह रहा है कि ideology is a set of political and cultural principles on which a nation or civilization is based. ठीक है, अब देखिए ये वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक जो हमें आइडियोलॉजी की तारीफ दी गई है, हमें आइडियोलॉजी की जो डेफिनेशन दी गई है, उसके मुताबिक आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल
प्रिंसिपल्स, ठीक है, आइडियोलॉजी सेट ही, यानी आइडियोलॉजी किन चीजों से मिलके बना रहा है, वो कह रहा है पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रिंसिपल्स, यानी कि आपकी जो तहजीब है और जो आपकी सियासत है उसके जो असूल हैं जब वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपकी आइडियोलॉजी ही बनाते हैं, ऑन विच अ नेशन और सिविलाइजेशन इज बेस्ड। और इसी चीज को आगे जाकर, इसी चीज को आगे बढ़ाकर हम क्या बनाते हैं, एक नेशन बनाते हैं, हम एक कौम बनाते हैं, और उसी वही कौम क्या बनाती है, फिर एक तहजीब बनाती है, एक सकाफत बनाती है, ठीक है ना। अच्छा आगे कह रहे हैं, इन द वर्ड्स ऑफ जॉर्ज ब्रास, अब जो आपको डेफिनेशन दे रहा है, अब जो आपको तारीफ दे रहा है आइडियोलॉजी की, वो किसकी दे रहा है, जॉर्ज ब्रास की, ठीक है। कहता है एनी प्लान और प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ बेस्ड अपॉन थिंकिंग एंड फिलोसफी इज कॉल्ड आइडियोलॉजी, ठीक है। अब देखिए हम वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के लिहाज से आइडियोलॉजी की एक थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको डेफिनेशन मिल रही थी, अब जो जॉर्ज ब्रास अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं, कह रहे हैं एनी प्लान और प्रोग्राम, ठीक है ना, यानी कि आपका कोई भी प्लान हो या आपका कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है, तो वो कह रहे हैं ऑफ कॉमन लाइफ, यानी कि जो आपकी आम जिंदगी है, कॉमन लाइफ जो है बेस्ड अपॉन थिंकिंग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो जॉर्ज ब्रास के मुताबिक आइडियोलॉजी किस चीज पर बेस कर रही है, आइडियोलॉजी की असास और बुनियाद किस चीज पर आ रही है, थिंकिंग एंड फिलोसफी, यानी कि जो आप सोचते हैं और जो आपका फलसफा है वो किस चीज की बुनियाद रख रहा है, आइडियोलॉजी की बुनियाद रख रहा है, ठीक है। अब ये किसकी डेफिनेशन है, जॉर्ज ब्रास की, जो कि क्या है, वो उसके इंडिविजुअल अपनी थिंकिंग है, ठीक है। वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के लिहाज से जो आपको डेफिनेशन दी गई है वो होल वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया में वही डेफिनेशन, तो यानी कि जॉर्ज ब्रास के मुताबिक जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपकी जो आम जिंदगी है, ठीक है ना, यानी कि जॉर्ज ब्रास के बारे, जॉर्ज ब्रास जो आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी अपनी जात है, ठीक है ना, उसकी जो आम जिंदगी है वो अपनी आम जिंदगी के बारे में जो नजरिया रखता है, अपनी आम जिंदगी के बारे में जो सोचता है, अपनी आम जिंदगी के बारे में जो फिक्र करता है, अपनी आम जिंदगी के बारे में जो उसका फलसफा होता है, वही जाकर उसकी क्या बनाती है, आइडियोलॉजी बनाती है। अब वो क्या है कि एक आम बंदा होता है, ठीक है, इसी तरह के बहुत से कॉमन जो लोग होते हैं वो जब मिलते हैं तो वो फिर क्या बना देते हैं, एक नेशन बना देते हैं, ठीक है। अब वो जो नेशन होती है, वो नेशन जब अपनी आम जिंदगी के बारे में, अपने लोगों की आम जिंदगी के बारे में जो वो सोचती है, थिंकिंग करती है, या उसकी जो फिलोसफी होती है, जब वो उसके बारे में सोचती है, तो वो क्या बना देती है, नेशन की एक कॉमन आइडियोलॉजी बना देती है, और वो जो नेशन की कॉमन आइडियोलॉजी होती है वही उसका क्या बन जाती है, सिविलाइजेशन बन जाती है, वही उसका क्या बन जाती है, कल्चर बन जाती है। तो इन दोनों चीजों में अब देखें फर्क क्या है, अगर हम इसके फर्क के बारे में पढ़ें, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया की जो डेफिनेशन है और जॉर्ज ब्रास की जो डेफिनेशन है, इन दोनों में फर्क यह है कि वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक जो आइडियोलॉजी की आपको डेफिनेशन दी गई है उसमें बताया गया है कि आपके सियासी, ठीक है ना, जो आपकी सियासी फिक्र होती है, जो आपकी सियासी जहत होती है, या जो अब देखें जॉर्ज ब्रास के मुताबिक क्या था, जॉर्ज ब्रास आपको बता रहे हैं कि जो आप आम जिंदगी में सोचते हो उसी को जाकर जब आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, अपनी कौम के ऊपर, अपनी नेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, तो वो आपका क्या बना देता है, कल्चर बना देता है, वो आइडियोलॉजी आप बाद में जाकर आपका क्या बन जाती है, कल्चर बन जाती है। लेकिन वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक वो जो आपका कल्चर होता है, आपका कल्चर और आपके जो सियासी फिक्र होती है वो मिलकर आपकी क्या बना रही है, आइडियोलॉजी बना रही है। अब देखें ये दोनों में यही फर्क है कि एक जगह पर वो चीज आपकी आइडियोलॉजी बना रही है, लेकिन दूसरी जगह पर जॉर्ज ब्रास के मुताबिक वहां पर ये जो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज हो जाता है कि जो चीज वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक मिलकर आपकी आइडियोलॉजी बना रही है, जॉर्ज ब्रास के मुताबिक वो जाकर क्या करने शुरू हो जाती है कि आपकी आइडियोलॉजी उसे बना रही होती है, आपकी आइडियोलॉजी उस पर वर्क कर रही होती है, और उसको आपके दिमाग से निकालकर आपकी आइडियोलॉजी बनाकर आप पे इंप्लीमेंट करती है। इसका मुख्तसर दोबारा से इसके रिव्यू करें आइडियोलॉजी को, कि आइडियोलॉजी है क्या, तो आइडियोलॉजी का सिंपल यह है कि उर्दू में इसे क्या कहते हैं, नजरिया कहते हैं, ठीक है ना। अब जो आइडियोलॉजी है वो एक प्लान और प्रोग्राम होता है कि जिसके मुताबिक जो है एज इज बेस्ड अपॉन फिलोसफी एंड एप्लीकेशन, ठीक है ना, जो कि किस चीज़ पर आपकी फिक्र या आपकी जहद पर या आपके फलसफे पर वो डिपेंड करता है, वो उस पर
डिपेंड कर रहा होता है एंड एप्लीकेशन टू सॉल्व पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। और जो कि किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो सियासी समाजी या जो हमारी तहजीबी मसाइल होते हैं उनको, जो उनके मसाइल होते हैं उनको सही करने में, उनका हल निकालने में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हमारा नजरिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डेफिनेशंस के बारे में बताया गया जो कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।